अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं भी ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपके साथ ही दाल वड़ा की, चना दाल वड़ा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैं ली हूँ ये 1.5 कप चने की दाल को धो के भिगा ली थी मैंने 10 बजे। देखिए अच्छे से भीग गई दाल 4 घंटे में। और ये 2 हरी मिर्ची ली मैं जो इसमें पीसूँगी, और 1 बड़ी डली प्याज कट करके रख ली उसमें, 2 लाल ऐसी मिर्ची कट कर ली। इसको ग्राइंड करके बता दें, इसको सारा ग्राइंड कर, मतलब मोटा मोटा ग्राइंड करना है, पूरा बारीक पीसना नहीं है आपको। ग्राइंड करके दिखाती हूँ आपको। देखिए दाल को मैं इस तरह से ग्राइंड कर ली, और थोड़ी सारी रहना है इसी दाल, पूरी बारीक नहीं करना है, दलदरा दलदरा पीसना है, थोड़ा मोटा मोटा पीसना है। पीसने के बाद ये देखिए 1/2 टीस्पून नमक ली मैं, मिर्ची 1/2 टीस्पून से थोड़ा बढ़ गया, 1/4 टीस्पून हल्दी, धनिया 1/2 टीस्पून, जीरा, सब चीज़ों को डाल दीजिए। ये प्याज कट करके जो रखी थी मैं वो भी डाल देंगे हरी मिर्ची के साथ। कोथमीर और कढ़ी पत्ता ये डाल देंगे, धो के डाल, सब चीज़ों को डाल के मिक्स करेंगे। देखिए थोड़ा सा अदरक लहसुन डाल लेंगे, डाल के इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, सारे मसाले अच्छे से एक हो जाएंगे। होने के बाद फिर अपन बड़े का शेक देकर फ्राई करेंगे। फ्राई के लिए मैं कढ़ाई चढ़ा दी इसको स्टोव पे। देखिए ऐसा मिक्स करके रख ली मैं पूरा बैटर। अब इसको दाल पानी लगाते जाएंगे आपको, और थोड़ा बैटर लेके इस तरह से सर्व करते जाएंगे। आपको जितना बड़ा होना आप उतना ले सकते हैं, मैं मीडियम साइज के बना ली। छोटी भी बनेंगे हम, फ्राई हो रही थी। फ्राई होने के बाद फ्राई पलटेंगे। देखिए टर्न कर लेंगे इसको, गोल्डन कलर आ गया अच्छे से। देखिए हमारे वड़े अच्छे से ब्राउन हो गए। अब मैं इसको निकाल रही हूँ, टिश्यू पेपर रख दी। दूसरे भी इसी तरह से रेडी कर लेंगे। देखिए 1.5 कप दाल में हमारे इतने सारे वड़े बनके रेडी है। आप लोग भी ट्राई कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग भी देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, प्लीज़ वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।